जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग मोड़ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये मैं पागल हो चुका हूँ, सही बता रहा हूँ कि ये भर्ती बोर्ड, यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड भाई करना क्या चाह रहा है। इवन भाई आप लोग ये सब आप लोग देख सकते हो यार, क्या कहते हैं 23, 24, 25 इतना ताबड़तोड़ पेपर बनाने के बाद ये लोग भाई अपनी पूरी इज्जत और मटिया डुबो दिए भाई 30 और 31 का पेपर बनाने में। आज 30 का पेपर भाई इन्होंने पूरा दिखा दिया कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। भाई मुझे ऐसे लग रहा है इनके इनके कोई सगे संबंधी का पेपर आता था, जैसे ये लोग भाई पेपर इतना आसान कर दिया। आज मैं बता रहा हूँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं भाई। उसमें ये पूछा है कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, और क्या होता है यार? भैया क्या बताऊं मैं, क्या पूछ रहे हैं लोग यार, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछ रहा है भाई, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन। भाई मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं आपको 25 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपने अभी तक आपने कहीं रिविजन ना किया हो, पढ़ा नहीं हो, लेकिन इस क्या कहते हैं सेशन में आपको मैं 25 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो भाई आप अभी खड़े खड़े जवाब दोगे, और वहां पे भाई आप जो होते तो क्या कहते हैं आप अलग से भाई आराम से 30 प्लस कर सकते थे। ठीक है, मैं भाई पागल हो चुका हूँ, मेरा खून जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि भाई हम लोग हार्ड पेपर दे के आए हैं, ठीक है। तो 23, 24, 25 भाई एकदम धुआंधार ताबड़तोड़ पेपर था, और ये लोग भाई पेपर में भाई एकदम इज्जत मटिया डुबो दिए यार। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे, आप लोग खुद ही एनालिसिस करके बताओ कि ये क्वेश्चन भाई क्या इस लायक है कि इसको यहाँ यूपी पुलिस के एग्जाम में 23, 24, 25 के कंपेयर में इसको पूछा जाना चाहिए था। आप सुनो, ये पूछे भैया सिंधु समझौता कब हुआ था, ठीक है, 1960। सिर्फ देखो अभी आप लोग भाई कमेंट करोगे कि 2-4-5 क्वेश्चन आसान आते हैं, भैया मैं 25 क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आसान आए हैं, आसान आए हैं, आए हैं, आए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में भाई, दुनिया को जग जाहिर है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था भाई, वर्ल्ड बैंक ने समझौता करवाया था, ठीक है, बीच में आके मध्यस्थता की थी उसने, ठीक है। रूस भाई पूछ रहे हैं, देखो क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन किस 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 देश का क्षेत्रफल बड़ा है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, रूस। अरे भैया अंधा मार दे, अंधा ब्रेल लिपि पढ़ियो, अंधा ऐसे टपक टपक के मार दे, ठीक है, छोड़ो यार। और पूछ रहे भैया कि 5th ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ? अरे भैया बाबू मेरे प्रभु, 1951 से स्टार्ट हुआ है, सबको पता है, जग जाहिर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, मान लो कैपिटल तो सबके में आसान आई थी, हमारे में भी आसान आई थी, इनके में भी आसान आ गई, ठीक है। चार क्वेश्चन हो गए ना, सिंधु समझौता, रूस, 1951 वाला, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद पूछ रहे भाई ADB का कार्य क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्य क्या होता है बताओ, एशिया के जितने भी देश वगैरह उन्हीं का भाई सब कुछ, उन्हीं के बीच मध्यस्थता कराना, उन्हीं के बीच सब कुछ अपना वहाँ पे मैनेजमेंट करना, ये सब तो है। उसके बाद पूछ रहे भाई पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भैया सबको पता है यार, आप हमारे में क्वेश्चन पूछते हो कि भैया ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ सारा क्वेश्चन यार अपना, क्या बताऊँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे में क्वेश्चन कैसे पूछे भैया, क्या कहते हैं ट्रोजन वायरस, देखो हमारे क्वेश्चन क्या था, ये डैश डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर बिंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, भैया रूट किट, स्पाई, रैंसम, प्रसन्न ब्रश, भैया ऐसा क्वेश्चन हमारे, सुनो हमारे पहले सोचो, हमारे पूछे थे विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, और इनके में क्या पूछ रहे जानते हो, इनके पूछे भैया राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, भैया सबको पता है यार। अरे भाई साहब, और हमारे में हाँ, और सुनो हमारे में किताब पूछे थे, ठीक है, किताब क्या पूछे थे भाई, भाई मैं पागल हो जाऊँगा वो चुका हूँ इनका भाई पेपर देख के, ठीक है। मेरे पूछे थे द गॉड फादर किसने लिखा था, इनके में क्या पूछा आपको पता है, मृच्छकटिकम किसने लिखी थी, अरे भैया शूद्रक लिखे हैं और कौन लिखे हैं यार, ऐसे ही इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछोगे। हाँ एक क्वेश्चन और, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, भैया इनके में आया, इनके में आया है आज 30 की सेकंड में आया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। हमारे में आया था भैया एक आलोक पर्व करके आया था, अरे भाई हवा नहीं लग रही थी, ये हमारा पेपर है, ठीक है। पीछे आप लोग देख सकते हो 145, 46, 47, 48, 49, 50, यहाँ 6 क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ मैं एक ही टिक कर पाया हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं सिर्फ एक ही टिक कर पाया हूँ, ये है 148 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके अलावा मेरे को आया ही नहीं लास्ट पेज में। और भैया इसमें देख रहे हो ऐसे, हाँ सुनो और आगे देखते रहो, देख रहो राष्ट्रीय सरकार संस्थान किस कहा भैया, कानपुर में यार चीनी मिल भैया, कानपुर में चमड़ा उद्योग फैक्ट्री कानपुर में, ये है। और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा, ये भैया किसको नहीं पता यार, हाँ मेरे पापा तक को पता है यार कि भैया उनको हर एक जगह के CM याद है। पुर्तगाल के PM पूछ रहे हैं यार, सबको पता है भैया जो अगर करंट से जुड़ा रहा होगा। 7th शेड्यूल में पूछे भैया क्या है, 7th शेड्यूल में वही है समवर्ती सूची उची, यही यही सब तो है यार। क्या कहते हैं, और फर्स्ट गवर्नर जनरल, प्रभु 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 विलियम बेंटिक पूछ रहे हैं यार हमारे में, क्या क्या पूछे हो यार इसमें भैया, इतना
नौटंकी मजा के रखे भैया हमारे पूछ रहे हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी, इसमें पूछ रहे हैं भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, भैया नाइंसाफी है भर्ती बोर्ड, मैं सही कह रहा हूँ। और उसके बाद भाई सीपीसीबी का फुल फॉर्म, जो भैया अगर दिल्ली से जो न्यूज़ जुड़ी रहती है भैया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबको पता है, ठीक है। उसके बाद भैया पूछ रहे हैं इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ ये ब्रिज कटियम सूत्रक, उसके नाइट्रोजन फॉर्मूला और क्वाड पूछे हैं कि क्वाड में क्वाड का क्या मतलब उद्देश्य है भैया, क्वाड में भैया चार देश हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका, इसी से कुछ संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। फर्स्ट आंसर साइड पूछे चिल्का झील, भैया किसको नहीं पता है यार, अंधे को पूछ लोगे ना तो वो भी डंडा उठा के बता देगा कि फर्स्ट आंसर साइड भैया चिल्का झील है। ऑक्सीजन की खोज पूछे भैया प्रिस्टले यार किसको नहीं पता बताओ, आरबीआई का काम क्या बताओ, उसमें एक ऑप्शन था कि भैया क्या कहते हैं मतलब सब मतलब उसी से जुड़े थे कि वित्तीय से, बाकी एक ऑप्शन था कि शेयर बाजार से, तो शेयर बाजार का काम होता है सेबी का, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद भाई राष्ट्रीय संबोधि दिवस आपने बताया ही, आर्टिकल 19 पिछले शिफ्ट में भी आया था 30 की फर्स्ट में, इसमें भी आ गया, आरडीएस का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। और उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन क्या आया था सुनो, ये पूछ रहे भैया इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, उसमें ऑप्शन क्या है फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और एक आ गया क्या अपना नौकरी, नौकरी क्या होती भैया, नौकरी क्या है मैं पूछ रहा हूँ, मेरे गांव के अगर मैं किसी एक जाहिल एकदम अनपढ़ से भी पूछ लूँगा वो भी बता देगा, आजकल भैया हमसे सबसे ज़्यादा फास्ट हैं वो लोग सोशल मीडिया के कैटेगरी में, ठीक है। तो भाई मेरा तो दिमाग हैंग हो गया, ठीक है ऐसा पेपर देखने के बाद। और भी और हाँ ये पूछे हैं कि भैया हैशटैग लगाने से क्या होता है, पता है हैशटैग लगाने से क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, हमको भी नहीं पता है। अरे हैशटैग लगाने से कोई भी आपकी पोस्ट कोई भी आपका वीडियो पॉपुलर होता है ट्रेंडिंग में आता है इसीलिए हैशटैग लगाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछे हैं ये, दिन भर साला हैशटैग लगा रहा है आदमी, दिन भर हैशटैग लगा रहे हैं उसी में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन ना पूछो यार शर्म करो, कम से कम हमारे में जैसे क्वेश्चन पूछे थे उससे एक स्टेप डाउन करके 20 से 19 कर देते भैया, 20 से आप 10 कर दियो, ये कोई लेवल है पेपर का यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बनाना क्या चाह रहे हैं। योगी जी ने इतनी भर्ती इतनी अच्छी सुदृढ़ता से टाइट की है, ठीक है, लेकिन ये लोग भाई पेपर का लेवल एकदम उथल पुथल करके असमंजस मिला दिए, ठीक है। अब कौन हमारे लिए भाई ये आवाज़ उठाएगा कि हमारा नॉर्मलाइजेशन अच्छा होना चाहिए जिनका 23-24 को, भाई मैं इस पेपर के हिसाब से मैं भर्ती जोड़ से भाई भर्ती बोर्ड से सिर्फ प्रार्थना ही करूँगा भैया कि हमारा लोग का नॉर्मलाइजेशन भैया दबा के होना चाहिए, इनका लोग का भैया नॉर्मलाइजेशन थोड़ा हल्का फुल्का ही करो, ठीक है, इतना करो कि भैया ये पास हो जाए और हम लोग जो भाई फेल हो रहे हैं उनको भी पास करने की कैटेगरी में ला दो, सबको भैया लगभग इस कैटेगरी में ला दो, दौड़ने वौड़ने भागने पहुंच जाए लड़के, उसके बाद अच्छा सा भाई 200 प्लस करवा दो जिनका अगर 185 टहल रहे हैं 23-24 वाले, इतनी सी हमारी आग्रह है, ठीक है भर्ती बोर्ड से, ठीक है भैया। आज का पेपर देख के तो मेरा दिमाग हैंग हो गया, ठीक है कल लेके आते हैं फिर अपना एनालिसिस 31 वाला, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ सुनिए एक और बात हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आपको भाई हम एक एनालिसिस भी लेके आएंगे 31 के बाद, ठीक है आपके कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए, आप लोग का भी जितना भी नंबर बन रहा होगा, ठीक है 23-24-25 वालों का उनका भी मार्क्स जितने बन रहे और 30-31 वालों का भी जितना मार्क्स बन रहा है, आप लोग भाई प्लीज़ यार कमेंट में अपना मार्क्स स्कोर बता दीजिए, ठीक है हम उसका डिटेल एनालिसिस करके शुभम जैन सर के फॉर्मूले पे भाई बहुत बढ़िया एनालिसिस करके आपका कट ऑफ बताएंगे और वो कट ऑफ भाई लगभग 99% सटीक होगी, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है भाई प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करने की कृपया करें, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और हाँ इस भाई इस पेपर के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करिए, ठीक है जय हिंद जय भारत।